हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे कि रिकर्जन और इटरेशन में कौन सा बेटर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको निकालना है x टू दी पावर n, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक आप रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें दो पैरामीटर्स है x एंड n, ठीक है। तो उसमें बेस कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, इफ n इज इक्वल टू जीरो यू हैव टू रिटर्न वन, अदरवाइज यू हैव टू रिटर्न x इंटू पावर ऑफ x इंटू n माइनस वन। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एन, राइट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो बिग ओ ऑफ एन, वाई, बिकॉज इट इज अ रिकर्सिव फंक्शन एंड हर फंक्शन कुछ मेमोरी यूज करता है, तो बिग ओ स्पेस ऑफ ओ ऑफ एन आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, राइट। एंड इन दिस केस, इन द इटरेशन केस, हमने एक फॉर लूप लगाया जीरो से लेके एन का, एंड हर बार आंसर में क्या है, एक्स मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आंसर में एक्स कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन, राइट। इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या आएगी, बिग ओ ऑफ एन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हमारी क्या आएगी, ओ ऑफ वन, बिकॉज हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर यूज नहीं की है। तो इन दिस केस इटरेटिव मेथड इज बेटर देन रिकर्जन। एंड सेम क्वेश्चन मुझसे नवी के फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछ